नाम के हैं कोरोना योद्धा, जी रहे हैं गुमनामी की जिंदगी। जिले स्तर पर भी शुरू हुआ आमरण अनशन। सैलरी समय से न देना व कटौती से है परेशान। जनपद में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए जिला चिकित्सालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? जी मनोहर सिंह। मनोहर सिंह, क्या है पूरा मामला? जो जिला मामला ये है जी कि हमारी कंपनी जो है जीवीके ईएमआरआई, फुल नेम इसका है जीवीके ईएमआरआई, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है हम लोगों के साथ। हम करीब सिक्स मंथ हो गए यहाँ पे। कोरोना के पेशेंटों में हम लोग पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, पेशेंटों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस चालक हैं? हाँ एम्बुलेंस चालक हैं। कब से? बिना डर के, बिना झिझक के, खाना ना खा के कर, खाना कभी खाते भी हैं कभी नहीं भी खाते हैं। पिछले छः महीने से हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं। कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है, मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं दे रही है। छः महीने हो गए और पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं दी है। कितनी सैलरी है? सैलरी हमारी है 10,036 रुपये जो कंपनी दे रही है। वैसे सैलरी हमारी 17,000 क्लियर, वो भी 8 घंटे की। और ये मुझसे 12 घंटे काम कराते हैं, 8 घंटे की सैलरी देते हैं, 3,000 से 4,000 रुपये कभी कभी देते हैं महीने में, पूरे महीने काम कराते हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो लोग काम कर रहे हैं इस टाइम, जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धाओं में हमारी गिनती होती है, लेकिन कोरोना योद्धा हैं कहाँ? हमारी वो लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? डॉक्टर लोगों की, यहाँ के स्टाफ नर्सों की टाइम से सैलरी आ रही है, डबल सैलरी आ रही है, हम लोगों की 4,000 से 5,000 सैलरी क्यों आ रही है? काम तो हम भी कर रहे हैं पूरा, और पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं। हमारे साथ सरकार और जीबी के कंपनी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? कुछ ना भ्रष्टाचार क्यों कर रही है? जी अनिल कुमार। क्या है पूरा मामला? जो जिला अस्पताल में आप धरने बैठे हैं, क्या है? हम लोग 108-102 एलएस एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं। हम लोगों को सरकार बोलती है आप लोग कोरोना योद्धा हो, हम लोग महामारी में ड्यूटी कर रहे हैं। जहां सभी लोग अपने घर पे बैठ गए हैं, वह हमें जमीनी स्तर पर आके काम कर रहे हैं। आलम यह है कि 3 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं आई है। हम लोग, हमारे जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, वो हेड ऑफिस में जाके कई बार बात की है कि सैलरी दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भुखमरी कगार पर आ गए हैं। उन्होंने सैलरी मेरी हम लोग नहीं दी है। प्रदेश कमेटी विवश होकर पिछले 48 घंटे से भूख हड़ताल बैठी हुई है हेड ऑफिस गेट के बाहर। तो आनंद फानन में कंपनी ने सैलरी दी है 1 महीने की, उसमें भी किसी की 2,500 रुपये, किसी को 1,900 रुपये, किसी की 4,000, किसी की 5,000 रुपये दी है, और वो भी पूरी तरीके सैलरी नहीं दी है 1 महीने की। कितनी सैलरी आप लोगों की? सैलरी जो श्रम विभाग ने तय किया गया वो 17,700 रुपये है, लेकिन कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और केवल 10,700 रुपये दे रही है सैलरी, उसमें कटौती कर रही है। कब से बैठे हैं धरने पे? और ये 48 घंटा हो गया, अनिश्चितकालीन हम लोगों का हड़ताल है, ठीक है। जब तक हमारा श्रम विभाग और कंपनी के बीच में लिखित पैड पे उनकी विध मोहर, हम लोग की वार्ता नहीं हो जाएगी, नहीं बनी जाएगी, हम लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कौन लोग हैं ये जो धरने बैठे हैं आपके साथ में? ये हमारे, ये जो बरेली में बैठे हैं, ये हमारे यूनियन पदाधिकारी हैं। हम सभी लोग, हमारी जो प्रदेश कमेटी है वो हेड ऑफिस में गेट के बाहर बैठी हुई है हड़ताल पे। इसमें मेरी मांग हम लोग यही है कि जो सैलरी है एक टाइम दे दो, इस तारीख को सैलरी आ जाएगी हम लोगों की। अगर हमारी सैलरी लेट आ रही है तो 100 रुपये के हिसाब से हमें पर डे का वो देना चाहिए, जो वो जो 100 रुपये है, मतलब पर डे के हिसाब से हमको बढ़ा के दे सैलरी। दूसरी चीज़ ये है, जो सैलरी कट रही लोगों की, किसी की 4,000, किसी की 5,000, ये कुछ नहीं, हम लोग एक फिक्स सैलरी कर दो कि अपनी सैलरी देंगे। श्रम विभाग बोलती है कि आप लोगों का लेबर, आप लोग लेबर हो, आप लोगों को 8 घंटे सैलरी इतनी मिलती है, लेकिन 8 घंटे से हम काम ना करा के 12 घंटे काम कराते हैं और सैलरी देते हैं केवल 8 घंटे की हम लोगों को। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।